हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट एक, जो कविता है भारत महिमा, उसका प्रश्न उत्तर। और इसका भी एक्सप्लेनेशन का वीडियो आपको एलीट ट्यूटर्स पे भी चैनल पे मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, और लिखा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए, मतलब इन पंक्तियों से आप क्या तात्पर्य निकालते हैं। तो देखिए, कहीं से हम आए थे नहीं, तो हमने कविता में देखा है इस सेंटेंस को कि कहीं से हम आए थे नहीं, मतलब हमारा जन्म भारत में हुआ है, हमारे पूर्वजों ने यहीं पे जन्म लिया है, तो हम कहीं और से नहीं आए हैं, हम यहीं के हैं। तो बस आपको यही तात्पर्य बताना है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम भारतवासी किसी अन्य देश से आए आकर यहाँ नहीं बसे, हम यहीं के निवासी हैं। तो चलिए उसके बाद देखते हैं। दूसरा है कि वही हम दिव्य आर्य संतान, थोड़ा सा पे मिस्टेक है, तो हम वही हैं दिव्य आर्य संतान, मतलब हम आर्य के संतानों में से हैं, आर्य जिन्होंने भारत की संस्कृति की नींव डाली है, भारत में जो सबसे पहले माने जाते हैं। तो उसका तात्पर्य आपको यही बताना है कि भारतवासी आर्य थे, भारत के जो वासी हैं, पूर्वज जो हैं, सबसे पहले जो लोग हैं वो आर्य थे, और हम भी उन्हीं आर्यों के संतान हैं। तो और दिव्य संतान हैं, कोई मतलब एक अच्छे संतान हैं, दिव्य चमकते हुए तेजस्वी संतान हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं। तो आपको एक उचित जोड़िया मिला, ये लिखा है, ये आपको यहाँ पे शब्द दिए हैं और आपको इसका यहाँ पे मीनिंग बताना है। जैसे संचय दिया है, तो संचय का जो अर्थ है वो है दान, क्योंकि हमने कविता में देखा था कि हमें संचय करने की, धन संचय करने की आदत है, धन जमा करने की आदत भले है, लेकिन वो धन हम खुद के लिए नहीं जमा करने की कोशिश करते, वो हम दान करते हैं, वो हमने देखा था उसमें। दूसरा सत्य है, तो सत्य के लिए जो शब्द है यहाँ पे वो वचन है, मतलब हमारी बातें जो होती थी, मतलब भारत के वासियों की जो बातें हैं वो हमेशा सत्य होती हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सत्य बोलते हैं। उसके बाद अतिथि के बारे में अगर हम देखेंगे तो हमने देखा कि वो हमारे लिए देव समान होते हैं, हम उनका सत्कार करते हैं। और हृदय अगर हम देखेंगे तो हमारा हृदय जो है वो तेज है, चमकता हुआ हृदय है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। और इसके बाद है कि लिखिए कि कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। तो इस कविता में दो धातु के बारे में लिखा गया था, एक लोहा और दूसरा है स्वर्ण, सोना और लोहा, लोहा आपको मालूम है आयन। चलिए इसके बाद देखते हैं, लिखिए कि भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। तो भारत की संस्कृति की दो विषय जो इस कविता में आपको दिखाई देगी, तो एक है दानशीलता, दान देने वाली, और दूसरा है अतिथि सत्कार, अतिथियों का स्वागत करने वाली। चलिए इसके बाद देखते हैं कि प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो आपको कोई भी दो पंक्ति जो आपको पसंद है उसका भावार्थ लिखिए, उसका अर्थ बताइए। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो अब इस दो जो पंक्ति हमारी पसंदीदा है समझिए, तो आपको इसका अर्थ लिखना है। तो चलिए देखते हैं वो अर्थ। तो कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं कि विजय केवल लोहे की नहीं, मतलब हमारे पास शक्ति भले थी तो हमने शक्तियों के बल से विजय नहीं प्राप्त किया है, हमने धर्म की रही धरा पर धूम, तो मतलब हमने लोहे के बल पे, तलवारों और शस्त्रों के बल पे हमने, या शक्ति के बल पे हमने विजय प्राप्त नहीं किया है, हमने धर्म व शांति के सहायता से हमने विजय प्राप्त किया है। फिर देखिए, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम, तो गौतम बुद्ध और वर्धमान जैसे महान सम्राट लोग भी भिक्षु का स्वरूप लेके उन्होंने घर घर घूम कर क्या क्या लोगों की मदद किया। तो गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष अपने साम्राज्य को छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण करके धारण किया और घर घर घूम कर लोगों का उन्होंने कष्ट दूर करा। तो ये दो पंक्ति का यहाँ पे भावार्थ हुआ। अब इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। तो इसके बाद का आखिर का जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, वो है निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। तो इनके आधार पर आपको पद्य का विश्लेषण करना है। रचनाकार का नाम जो यही रहेगा, रचनाकार का प्रकार कविता है, फिर पसंदीदा पंक्ति जो हमने पढ़ा था वही लिख दीजिए, पसंदीदा होने का कारण क्यों आपको पसंद है वो आपको बताना है, रचना के से प्राप्त संदेश और आपको इससे क्या संदेश मिलता है वो आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद, और रचनाकार का प्रकार एक कविता है, पसंदीदा पंक्ति वही है जो हमने अभी देखा है, और क्यों पसंद है वो भी आपको बताना है। तो हमें क्यों पसंद है वो पंक्ति, तो भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता,
शस्त्र थे, हमारे पास ताकत थी, लेकिन हमने ताकत का ताकत के बल पे लोगों को नहीं जीता है। यह हम इसलिए हमें पंक्ति पसंद आई। गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष अपने साम्राज्य को छोड़कर, इतने बड़े बड़े ताकतवर लोग अपने साम्राज्य को छोड़कर एक भिक्षु का स्वरूप लेकर धारण करके उन्होंने क्या किया, घर घर घूमकर लोगों के कष्ट को दूर किया। तो ये चीज़ के वजह से हमें ये पंक्ति पसंद आई। आप कोई भी और पंक्ति लिख सकते हो और उसका आपको कारण बताना पड़ेगा। फिर हमें संदेश क्या मिलता है इस पंक्ति से, तो रचना से प्राप्त जो संदेश है वो बताइए। तो हमें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें हमारे पास भले शस्त्र थे, शक्ति थी, लेकिन हमने निर्बल लोगों को मार के अपने विजय को प्राप्त नहीं किया, हमने उसका दुरुपयोग नहीं किया। तो हमें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और हमें कमज़ोर और दुखी लोगों की सहायता करनी चाहिए, जो आपने गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर से हमें सीखना चाहिए। तो चलिए, इस कविता में बस इतना ही प्रश्न उत्तर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।